गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद पहले भी कई मामलों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में श्री राम मंदिर में साई की मूर्ति देखकर वे भड़क गए थे। मंदिर से साई की मूर्ति हटा जाने के बाद उन्होंने मंदिर में प्रवेश की बात कही थी। जी हाँ, आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वहाँ पूजा करने को अड़ गए। शनिवार को ज्ञानवापी जाने से पहले अविमुक्तेश्वरानंद के मठ को वाराणसी पुलिस ने घेर लिया था और उन्हें नज़रबंद कर दिया। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पूजा उनका अधिकार है और जब तक वे ज्ञानवापी में पूजा नहीं कर लेते भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। इसके बाद वे मठ के दरवाजे पर ही अनशन पर बैठ गए। बता दें कि ज्ञानवापी से पहले हाल ही में अविमुक्तेश्वरानंद चर्चा में रह रहे थे। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए अविमुक्तेश्वरानंद पहुँचे थे। इस दौरान मंदिर के दीवार पर साई बाबा की मूर्ति देखकर वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि श्री राम के मंदिर में साई का क्या काम। उन्होंने कहा था कि आपको साई की पूजा करनी है तो फिर राम और कृष्ण की क्या जरूरत है। इस दौरान दर्शन के लिए बुलाने वाले शिष्य को उन्होंने फटकार भी लगाई थी और कहा था कि क्या अब हम साई के दर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक मंदिर से साई की प्रतिमा नहीं हटाई जाएगी मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का मूल नाम उमा शंकर है। प्रतापगढ़ में प्राथमिक शिक्षा के बाद वे गुजरात चले गए थे। गुजरात में उन्होंने संस्कृति की शिक्षा भी ली। पढ़ाई के बाद अविमुक्तेश्वरानंद को शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ के करवधा में सनातन धर्म के ध्वज को हटाने के विरोध में हजारों लोगों के साथ रैली निकालकर ध्वज को स्थापित भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।